कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी, नहीं आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में खेल, क्या करोगे? चलिए जी देखें क्या करेंगे हम। उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई सोए भाई का वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाले का, टाइटल है अफगानिस्तान रिजेक्ट पाक फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा जी, चलिए लेट्स सी पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं। जल भुन रहे हैं पाकिस्तानी समय, बहुत भयंकर तरीके से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनका बीपी बढ़ा हुआ है और मजा आने वाला है। आप क्या करते हैं जी? मैं यूट्यूबर हूँ। ओ जबरदस्त हो गया, जबरदस्त है, अच्छी बात है। यूट्यूब पे क्या कंटेंट बना रहे हैं आप, मतलब किस हवाले? मैं पाकिस्तान को मोटिवेट कर रहा हूँ। ओ किस किस चीज को लेके? एजुकेशन को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, स्पोर्ट्स को लेके? सॉरी आपकी बात काटी मैंने। हाँ हाँ, मैं पाकिस्तान को इस तरह मोटिवेट कर रहा हूँ कि जिस तरह के बागे जनाब में मैंने कायदे आजम की लाइब्रेरी जो है ना, अच्छा, वहाँ पे जाके मैं ना नई जो यूथ है, नई जनरेशन जो है, अच्छा, तो उनको जाके एक मैं मैसेज देता हूँ और उनको मैं एक पैगाम देता हूँ कि हमारी जो नई यूथ है उनको तो पता ही नहीं इन चीजों का। उनको बस पता है पबजी के बारे में या अपना पता ये अपना टिकटॉक के बारे में, या जवान होते हैं तो अपने वाले वालदेन से कहते हैं कि मैं 70 या 125 लेते हैं, ठीक है, हो गया। तो अच्छा, उनको उनको मैं एक मैसेज देता हूँ, उनको एंटीक चीजें दिखाता हूँ, वजीर खान मस्जिद दिखाई है मैंने, क्या उन्हें बताते हैं कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए। जबरदस्त हो गया ये तो। फिर तो आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे बताएं आप ये चाहते हैं पाकिस्तान के लिए कुछ किया जाए? मैं भी ये चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए कुछ किया जाए, लेकिन क्यों नहीं हम कुछ कर पा रहे? अभी क्रिकेट के हवाले से अगर बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, जाहिर बात है 2025 चैंपियन ट्रॉफी, लेकिन पहले इंडिया की तरफ से खबरें ऐसी आई सोशल मीडिया, उनके मीडिया की तरफ से कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में नहीं आएगी। अब उसके बाद अफगानिस्तान से ये खबरें आ रही हैं, उनके सोशल मीडिया से, खासतौर पर प्लेटफॉर्म से, कि भाई अफगानिस्तान भी पाकिस्तान में सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं आएगा। आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिक्योरिटी की वजह से कोई आना नहीं चाह रहा। सर इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान जो है ना सिक्योरिटी बिल्कुल फ्राहम करता है, अच्छा, ठीक है। जो भी बाहर से कंट्रियां आती हैं, पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बिल्कुल देता है, बकायदा पीसी में आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर क्या वजह अफगानिस्तान? वजह ये है कि वो अब अफगानिस्तान भी हमसे खार खाता है, क्यों? ठीक है, अफगानी है वो, अच्छा, ठीक है, और इंडिया वो शुरू से हमसे खार खाता है, अच्छा, ठीक है। बात करने का मकसद ये है, बात करने का मतलब ये है कि अब इंडिया यहाँ, इंडिया कभी जिंदगी में यहाँ पे नहीं आएगी पाकिस्तान में, अच्छा। कितनी बेशर्मी से पाकिस्तानी बात करते हैं, कितनी बेशर्मी से। अभी आप कह रहे थे कि युवाओं को पता नहीं है पाकिस्तान के इतिहास के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, तो आपको फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हिस्ट्री तो पता होगी ना। अगर सवाल किया जा रहा है कि अफगानी क्यों नहीं आना चाहते, अफगानी क्यों इतनी नफरत कर रहे हैं, तो आपने उसका जवाब दिया कि वो अफगानी है इसलिए। इतनी बेशर्मी मैं पाकिस्तानियों से ही उम्मीद कर सकता हूं। आपको नहीं पता कि अफगानी पाकिस्तान से क्यों चिढ़ते हैं, पाकिस्तानियों से क्यों चिढ़ते हैं या क्यों नफरत करते हैं? वो इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि उनके बच्चों के कातिल हैं आप, और कोई पाकिस्तानी मेरी इस बात को काट कर दिखा दे सबूतों के साथ। क्या पाकिस्तान की फौज ने अपने बेसिस अफगानिस्तान और अफगानियों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिए, अफगानिस्तान पर बम बरसाने के लिए नहीं दिए? क्या अफगानिस्तान की फौज ने अपना एयर स्पेस ड्रोन स्ट्राइक करने के लिए अफगानिस्तान में नहीं दिए? उन स्ट्राइक्स में कौन मारा गया? अफगानी मारे गए कि नहीं मारे गए? बच्चे मारे गए कि नहीं मारे गए? उनके शहर के शहर तबाह हुए कि नहीं हुए? पूरा देश उनका तबाह हुआ इन स्ट्राइक्स में, और उन स्ट्राइक्स के लिए सपोर्ट अमेरिका को किसने किया? पाकिस्तान ने किया, और आप कहते हैं कि वो अफगानी है इसलिए आपसे वो आपसे नफरत करते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरिए अगर जिसको भी मानते हैं ना आप अपने, उसको क्या मुंह दिखाएंगे आप ये झूठ बोलकर? जरा भी शर्म नहीं है आप लोगों में, जरा भी शर्म नहीं है। असली बात बताओ, मर्द के बच्चे हो ना, असली बात बताओ कि अफगानिस्तान वाले क्यों पाकिस्तान से नफरत करते हैं? झूठी बातें मत बताओ। अच्छा, अब पिछले दिनों मैं टिकटॉक में देख रहा था, एक उनका इंडिया का एंकर बैठ के ना बड़ी बकवास कर रहा था,
हमारे पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बारे में। अच्छा। तो नीचे मैंने बड़ा कुछ लिखा उसको, ठीक है। तो मैं कहा हमारी जो पाक आर्मी, हमारी जो पाकिस्तान, यानी कि जो हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम है, मैं कहा हमारा तो यानी कि एकदम शाहिद अफरीदी नहीं तुम्हारे पे मान था। नहीं, लेकिन वैसे शाहिद अफरीदी की बात करें तो अभी कल लेजेंड्स ट्रॉफी थी। पहली बार टिकटॉक भारत में बैन है, तो साला ऐसा कौन सा बंदा है जो भारत में टिकटॉक बना रहा है? तुम्हारे यहां ट्विटर बैन है, तुम ट्विटर पर जाके कुछ लिख सकते हो क्या? हमारे यहां टिकटॉक बैन हुआ जमाना हो गया, कैसे कोई यहां से बैठ के टिकटॉक बनाएगा भाई, ये बता दे। क्या पढ़ाता होगा, क्या तू मैसेज दे रहा है, कौन सा यूट्यूबर है भाई तू, ये समझ गए हम कितने पानी में है तू। ट्रॉफी थी चैंपियंस लेजेंड ट्रॉफी, तो वो इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल था, वो लोग जीत गए, पाकिस्तान हार गया, और उसमें शाहिद अफरीदी भी थे, उसमें कामरान अकमल भी थे, उसमें मिसबाह उल हक भी थे, मतलब कैप्टन हमारे, उसमें शुएब मलिक भी थे। अच्छा, इस बात का मैं आपको जवाब देता हूँ, वो अब बुढ़े बाबे हो गए, तो उनके कौन सा नौजवान आए थे, उनके भी लेजेंड्स ही आए थे, लेजेंड्स ही आए थे। लेकिन अब बात करने का मकसद ये है कि इस नाम क्या आपका, सुहेब, अब ये बात को घुमा रहे, फंस गया ये, फंस गया। अबे बुढ़े थे, चार तेरे करंट प्लेयर खेल रहे हैं जिन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया क्रिकेट से, जाके देख टीम में तेरे, जो लीजेंड्स की टीम थी उसमें चार ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं लिया, वो तेरी क्रिकेट में खेल रहा है, प्रैक्टिस में है। हमारा एक भी बंदा प्रैक्टिस में नहीं है, इरफान पठान हो, युवराज सिंह हो, चाहे कोई भी हो, वो रिटायर हो चुके हैं, वो मैच नहीं खेल रहे, तेरे चार बंदे मैच खेल रहे हैं कंटिन्यू। मैंने बोला ना, धेले भर का नॉलेज नहीं है इसको, और ये यूट्यूबर है, इसीलिए तो पाकिस्तान की बैंड बजी हुई है, इसीलिए। सुहेब साहब, बात करने का मकसद ये है कि ठीक है, वो जो खिलाड़ी आए थे, ठीक है, उन्होंने अब क्या खेलना था, ठीक है, हमारे बापों ने क्या खेलना था, ठीक है, अच्छा रीजन क्या है, अफगानिस्तान की अगर बात करें, क्या चपेड़ पड़ी इसको, चपेड़ पड़ी, फंस गया बेटा तू, एक्सपोज हो गया मेरे भाई, यू आर एक्सपोज्ड। शोएब ने तेरा टैटुआ पकड़ लिया और तू फंस गया। पाकिस्तानियों, मैंने बोला ना, पाकिस्तानियों की इस अदा पे मैं फिदा हूं, पाकिस्तानी पहले बड़ी बड़ी बातें करेगा और पाकिस्तानी खुद ही अपने आप को नंगा कर लेगा, एक्सपोज कर लेगा, क्योंकि पढ़ना तो है नहीं, नॉलेज तो गेन नहीं करनी। करें क्या, आपने बोला जी, आपने बोला अफगान नहीं है, इसलिए मुझे लगता है ऐसे नहीं है, देखे अफगानी तो इधर भी रहते हैं, आपने अक्सर मैचेस देखे होंगे, ठीक है, अफगानिस्तान के हमारे मैच बड़ा क्लैश होता है आपस में, ऐसे ही है, होता है और उसके बाद जब इंडिया के साथ हमारे मैच होता है, क्लैश नहीं होता, प्रेशर होता है, ठीक है। लेकिन अफगानिस्तान वाले इंडिया को आजकल ज्यादा सपोर्ट करते हैं, मतलब जो हमने देखा क्रिकेट में, वो तो बांग्लादेश भी करता है, इंडिया को करता है, तो उसकी क्या रीजन है, मतलब ये रीजन है कि पाकिस्तान को गंदा किया जाए, नहीं उन्हें क्या, मतलब बांग्लादेश भी इस्लामिक कंट्री है, अफगानिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है, फिर वो इस लॉजिक की अगर बात करें, क्यों वो गंदा करना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि वो, अब देखिए आईपीएल टीम इन्होंने जब स्टार्ट की थी, शुएब अख्तर को लिया, ठीक है, तरह तरह के खिलाड़ियों को लिया, पाकिस्तान से कुछ खिलाड़ी गए, तो ये अब वहाँ पे जाके शुएब अख्तर का और बाकी दिगर ममालिक का वहाँ पे इतना गुनाम हो गया, इन्होंने अगले आईपीएल में हमारे खिलाड़ी लिए नहीं। अच्छा, ये आपको लगता है कि ये रीजन है कि शुएब अख्तर का वहाँ पे नाम बहुत ज्यादा हो गया, वो बहुत फेमस हो गया, वहाँ पे वर्ल्ड क्लास क्रिकेट के जो उनसे प्लेयर्स हैं वो वहाँ आईपीएल आके खेलते हैं आज भी, और आज भी मैं गारंटी से कहता हूँ पाकिस्तान के किसी भी, मतलब मोस्टली, शायद कोई अपनी मर्जी से ना जाना चाहे, लेकिन मोस्टली अगर पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उन्हें मौका मिले आईपीएल खेलने का, वो जरूर जाएं। आपको क्या लगता है आईपीएल ना खेलने जाएं? नहीं नहीं, बिल्कुल जाएंगे, बेशक जाएंगे, क्योंकि बड़े पैसे मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, बड़ी मोहब्बत मिलती है, फेम मिलता है, पैसे मिलते हैं, और इंडिया अगर बुलाएगा तो जाएंगे ना, इंडिया क्यों नहीं हमें बुलाता। मैंने बोला ना, ये ऐसा यूट्यूबर है, पता नहीं इसके यूट्यूब का क्या भविष्य होगा, लेकिन ये साबित हो गया कि ये निलबटा सन्नाटा है, ये ऊपरी माला खाली है इसका। शोएब अख्तर का बड़ा नाम हो गया था भारत में, इसलिए उसको बुलाया नहीं। अबे चमन होतिए जाके पढ़ और शोएब अख्तर की ही बातें सुन, इंटरव्यू में बातें जाके सुन, वो लगा नहीं सकता, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा कि वो सचिन तेंदुलकर के बारे में क्या बोलता है, वो बाकी क्रिकेट वीरेंद्र सहवाग के बारे में क्या बोलता है, दूसरे इंडियन टीम के बारे में क्या बोलता है, जाके सुना कर कभी, समझा? ये जो तुम लोग ये टट्टू सी चीज निकाल लेते हो ना, शोएब अख्तर का बड़ा नाम हो गया जी, इसलिए उसको बुलाया नहीं।
हमारे प्लेयर्स जहां पर नाम है ना उनका, शोएब अख्तर उसके नीचे भी कहीं नहीं है अंडर 100 में, बात करता है इग्नोर करता है हमें, इग्नोर करता है हमें। मैंने आपको मेन रीजन बता तो दी है। ठीक है, आपको लगता है कि अगर अफगानिस्तान जो कि नेबर कंट्री है हमारा, हम उनके साथ अच्छे तरीके से ट्रीट करें, उनके साथ मतलब ये जो उनकी नाराजगियां खत्म करें, तो आगे आने वाले टाइम में बेहतरी आएगी? नहीं तो ऐसे तो अफगानिस्तान हो गया, फिर इंडिया हो गया, ये तो कंट्रीज हमारे से दूर जाते जाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे। हाँ जी, ऐसे हो सकता है जिस तरह आप कह रहे हैं कि दो हम ये दूरियां वगैरह खत्म करें, नफरतें खत्म करें। हाँ जी, नफरतें खत्म करें तो फिर कुछ हो सकता है, अदरवाइज ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद यासिन। यासिन साहब क्या करते हैं? मैं जी मार्केटिंग करता हूँ, मैं एज ए मैन्युफैक्चरिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ। किस चीज की मार्केटिंग करते हैं, किस प्रोडक्ट की? केमिकल्स। अच्छा, क्लीनिंग से रिलेटेड मैं उसकी मार्केटिंग भी करता हूँ, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करता हूँ। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में आने वाली है। ठीक है, दुनिया के सारे कंट्रीज यहाँ पे, जाहिर बात है चैंपियन ट्रॉफी जो खेलेंगे वो आएंगे, लेकिन पहले इंडिया ने बोला कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, अब अफगानिस्तान के सोशल मीडिया से भी ये खबर आ रही है कि वो भी पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी के लिए नहीं आएंगे। क्या वजह है पाकिस्तान में अफगानिस्तान अगर नहीं आता तो? मेरे ख्याल है ये तो बड़ा एक नेगेटिव साइन है, उनको आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जरूरत है। और अगर पाकिस्तान में अगर एक चीज हो रही है तो अगर हम पाकिस्तानी अगर बाहर ममालिक में जाके क्रिकेट खेल सकते हैं तो वो क्यों नहीं यहाँ पे खेल सकते, जबकि हमारा मुल्क एक अमन पसंद है और हम एक ऐसी कौम है। मेरा ख्याल हम इस चीज पे तो कभी भी नहीं कहेंगे कि यार कम से कम यहाँ पे भी आना उनको आना चाहिए। एज ए पाकिस्तानी, एज ए क्रिकेट लवर, मैं क्रिकेट तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान की टीम के साथ इंडिया की टीम भी यहाँ पे आके खेले, अफगानिस्तान की टीम यहाँ पे आके खेले, जो भी चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा है वो आके खेले, लेकिन उनकी नाराजगी की वजह मैं पूछ रहा हूँ। अफगानिस्तान, इंडिया का चलो कहीं ना कहीं समझ आता है जी वो हमारे दुश्मन या ऐसा कुछ सीन है, अब अफगानिस्तान भी दुश्मन है जो अफगानिस्तानी। सोहेब भाई, अब आप काउंटर नहीं कर रहे हो यार, काउंटर नहीं कर रहे हो। अब वो पहले वाली बात आप में दिख नहीं रही है, आप सच्चाई के साथ जो काउंटर करते थे वो अब नजर नहीं आ रहा। जैसे ही अगर उसने कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, आपने काउंटर क्यों नहीं किया कि जब अमन पसंद मुल्क है तो इतने आतंकी हमले कैसे हो रहे हैं, अमन पसंद मुल्क है तो इतना बड़ा एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन क्यों हमारी फौज चलाने जा रही है, अगर अमन पसंद मुल्क है तो अभी बन्नू में पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है, अगर अभी अमन पसंद मुल्क है तो ये केपीके में अभी 5 हमारे मारे गए जवान वो क्या है, अगर अमन पसंद मुल्क है तो आए दिन बम धमाके हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं अगर ये अमन पसंद मुल्क है तो? काउंटर आप अब नहीं कर रहे हो। अफगानिस्तानी मुझे इस चीज पे हैरान की है, उनको बिल्कुल आना चाहिए और ये बिल्कुल इससे कतई नजर होगी। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है कोई ऐसा सिक्योरिटी नहीं, इससे पहले भी हमने देखे यहाँ पे लीग्स हुई है, PSL हुआ है, और मेरा ख्याल है हमारी पब्लिक तो चाहती है कि भाई ऐसा हो, और हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है जिसकी हम पूरी प्रोटेक्शन देंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे, मेरा ख्याल उसमें सिक्योरिटी लैब्स कोई इशू नहीं है। अगर अफगानिस्तान नहीं आता, इंडिया नहीं आता, तो आपको लगता है कि नुकसान होगा काफी ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट का? नहीं, बिल्कुल होगा जी, क्यों नहीं होगा। मेरा ख्याल है ये इतना बड़ा नुकसान है, अगर हम वहां पे जाके खेल सकते हैं तो वो उनको भी आना चाहिए, इससे ये होगा कि हमारी जो है जो क्रिकेट लवर्स हैं और खास कर पूरी दुनिया के लिए ये एक अच्छा साइन नहीं है, और ये पूरी मेरा ख्याल है ICC को भी इस चीज का नोटिस लेना चाहिए। जबकि हम तो फिर ये भी बात कही आप कि जिस तरह से हमारा पाकिस्तानी उठकर कसाब जाकर मुंबई पर अटैक कर सकता है, तो वैसे ही कोई भारतीय भी उठकर आकर और पाकिस्तान पर अटैक करके 150 लोगों की जान ले ले, बोलिए कि क्यों नहीं कर सकता कोई इंडियन आके करे, करना चाहिए। क्या हुतियापे का लॉजिक है ये? आपका आना मजबूरी है, हमारा आना मजबूरी नहीं है, समझ रहे हो? और इसके लिए औकात चाहिए जो पाकिस्तान की औकात नहीं है। मैं फिर कहता हूं, अभी भी BCCI ने बयान नहीं दिया ऑफिशियल कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, या भारत की सरकार ने बयान नहीं दिया है कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, आप लोगों ने रोना धोना मचा रखा है, समझे? एक ऑफिशियल बयान दिखा दो अभी तक, जब तक वीडियो रिकॉर्ड किया तब तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, और ना ICC का बयान आया इसके ऊपर।
जबकि हम उनको गारंटी दे रहे हैं कि पाकिस्तानी एक अमन पसंद मुल्क है और यहाँ पे सिक्योरिटी लैब्स का कोई इशू नहीं। बिल्कुल, देखें आप जैसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान एक अमन पसंद कंट्री है, मैं भी यहाँ पे खड़ा होकर कहता हूँ पाकिस्तान एक, पाकिस्तान के लोग खास तौर पे पीसफुल पीपल हैं, पीसफुल लोग हैं, लेकिन आए दिन जब यहाँ पे कोई मुख्तलिफ इशूज हमें देखने को मिलते हैं, कभी कराची में, कभी वीरस्तान में, कभी लाहौर में, इस तरीके से वाकया देखने को मिलते हैं, फिर दूसरे कंट्रीज या खास तौर पे अगर नेबर कंट्रीज की बात करें तो वो थोड़ा परेशान नहीं होंगे या उन्हें मौका नहीं मिलेगा सवाल करने का, यार ये देखो आप कहते हो अमन पसंद है, ये अटैक हो गया, वो अटैक हो गया, वो फिर उन्हें मौका नहीं मिलेगा। चलिए सोहेब भाई, अच्छा लगा कि कम से कम आपने बात की, जो शुरू में मुझे लगा कि ये चीज कम कर रहे हो आप, काउंटर नहीं कर रहे हो वैसे, चलिए यहां पर आके आपने काउंटर किया, चलिए अच्छा है और बिल्कुल इसको बरकरार रखिए, बहुत जरूरी है बैलेंस करने के लिए, सही चीज करने के लिए, काउंटर नहीं करेंगे तो एक तरफा बात हो जाएगी, नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल है, आपकी बात सही है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर 2-3 साल से देखा जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं आया, कोई ऐसा मतलब अटैक नहीं हुआ, कोई ऐसा वाकया भी नहीं हुआ। अच्छा, बाकी ये है कि देखिए अभी कुछ दिन पहले चाइना के जो कुछ लोग थे यहाँ पे इंजीनियर थे उनके ऊपर अटैक हुआ, फिर उससे पहले कराची में भी एक वाकया ऐसा पेश आया, ऐसे वाकया तो वैसे होते रहते हैं, मतलब ऐसे होते रहते हैं, मतलब ये कोई इतना बड़ा मसला, ये बड़ा इशू नहीं है, चाइनीज मर गए, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, चाइनीज मर गए ये कोई इशू नहीं है, बाहर का बंदा फॉरेनर आपके यहां जो काम कर रहा है वो सेफ नहीं है, वो मर गया और आप करिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जापान वाले तो बच गए बेचारे, जापान वालों पर भी अटैक हुआ था, स्क्रीनशॉट लगा दिया, देख लीजिए, वो बेचारे बच गए, जिंदगी बच गई उन जापानियों की, और आप कह रही कोई बड़ी बात नहीं है, गजब चमन होती है आदमी हो बे, और कैसे बात होती है भाई, और बड़ी बात कैसे होती है, मसला नहीं है। अच्छा, कि अगर हम ये सोचें कि यार अगर कोई क्रिकेट टीम आएगी तो उसके लिए ये कोई बैड साइन है, ठीक है, मेरा ख्याल ये बिल्कुल गलत है, आपके ख्याल से ये साजिश है, ये साजिश है, ये इंडियंस और अफगानिस्तान, अच्छा, क्योंकि वो उनको सपोर्ट ज्यादा करते हैं, और हालांकि हमने अफगानियों के साथ जितनी हमने सपोर्ट किया उनको, मेरा ख्याल है इंडियंस ने नहीं किया, हमने उनको यहाँ फॉर एग्जांपल सपोर्ट किया अफगानिस्तान, उनको अफगानियों को हमने यहाँ पे रखा और वो यहाँ पे रहे, उनको हमने उनको इक्वल राइट्स जो पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी वो हमने उनको दिए। लेकिन अभी ये 2-4 माह पहले की ये खबरें क्या बल्कि प्रॉपर ये चीजें हमें देखने को मिली कि अफगानिस्तान से जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद थे उन्हें वापस भेज दिया गया कि अब आप अपने कंट्री में वापस जाएं। आप कह रहे हैं कि हमने इक्वल राइट दिया, अगर इक्वल राइट दिया था तो फिर वापस तो ना भेजते, वो देखे ना, अब हमने भी अपने देखने होते हैं, हमारे भी मामला कुछ ऐसे हैं, अब ये तो नहीं है कि वो लोगों का हम अपने आप पे बर्डन डाल लें, जबकि हमारे भी यही होना चाहिए कि वो उनको हमने भेजा, सारों को तो नहीं भेजा, उनमें से बहुत सारे इधर ही हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं, तो मेरा ख्याल है ये अगर थोड़े से वाकयात होने से ये अगर ये समझ रहे हैं, बहरहाल मैं अफगानियों को कहूंगा कि वो आए पाकिस्तान में आके क्रिकेट खेलें और पूरी दुनिया को एक मैसेज दें कि हम पाकिस्तानी कौम जो है वो एक महजब कौम है और वो ऐसे इंतजार पसंद, मैं खुद ये चाहता हूँ और बल्कि ये मैसेज दूंगा अफगानिस्तान के लोगों को, अगर वीडियो वहाँ पे लोग देखते हैं इंडिया के लोगों के, कि भाई हम चाहते हैं कि इंडिया की टीम, अफगानिस्तान की टीम, दुनिया की हर एक टीम यहाँ पे आके खेले, लेकिन हमें उससे पहले उनके शिकवे भी दूर करने की जरूरत है, हमारी गवर्नमेंट को मतलब चाहिए, हमारे पीसीबी को जो क्रिकेट का बोर्ड है उसे चाहिए कि उन्हें कॉन्फिडेंस में लें, उनके साथ मीटिंग्स करें कि भाई आपको टेबल टॉक करें, जो इशू है वो निगोशिएशन हो सकती है और जो उनके सिक्योरिटीज के वाले से वो हम उनको इस चीज की गारंटी दें, उनको अश्योरेंस दें कि आपको इंशाल्लाह ये हालात नहीं होंगे, और मेरा ख्याल है अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे और पीसीबी चाहे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस चीज से बिल्कुल पीछे हटेंगे। और वो अबे ओ चश्मे वाले बंदे, बताऊं मैं, अभी तेरे यहां एक तेरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको किडनैप कर लिया गया, तू गारंटी दी तूने, तू कह रहा है कि हम गारंटी देंगे, अबे तेरे यहां तेरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए सेफ नहीं है, वो अबडक्ट हो गया, किडनैप हो गया, स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है और तू कहता है कि तू गारंटी देगा, एक और एमएलए उसका उसके भाई को किडनैप कर लिया गया और तू कहता है गारंटी देगा। ये पाकिस्तानी खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं यार, ये खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं, किस चीज की गारंटी देगा भाई तू, तेरे यहां तेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेफ नहीं है, वो किडनैप हो गए और तू गारंटी देने की बात करता है, अबे मजाक चल रहा है यहां पर।
ठीक है, और हाँ, वो लाजमी आएंगे। अफगानिस्तान की बात करें तो मुझे लगता है अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहे सीरियस ले इस मैटर को, पीसीबी चाहे तो हम अगर अफगानिस्तान के उधर गवर्नमेंट से बात करें तो ये पॉसिबल है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट बात करेगी? जी बिल्कुल करेगी कि भाई ठीक है, जो नहीं आता इंडिया नहीं आता, ना आए अफगानिस्तान नहीं आता, ना आए, मेरा ख्याल नहीं आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। अगर वो दो कंट्रीज नहीं आएंगे तो फिर कल दो और बंदे कहेंगे भाई हम भी नहीं आ रहे, ये चीज है, वो भी यही चीज कहेंगे कि भाई अगर वो अफगानिस्तान नहीं आ रहा, इंडिया नहीं आ रहा, कल को बांग्लादेश भी कह सकता है, फिर हम कहेंगे, कल फिर न्यूजीलैंड भी कहेगा, ऑस्ट्रेलिया कहेगा, इंग्लैंड कहेगा, ऐसे तो पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो जाएगी। हम तो क्रिकेट देखना चाहते हैं और मैं आपको बता रहा हूँ हम तो क्रिकेट के मतलब शौकीन है, हमें तो लव है क्रिकेट से। पाकिस्तान का कौन सा, अगर आप बात करें पहले से लेके अब तक, कौन सा ऐसा एक प्लेयर जो आपको बहुत पसंद है? इंडिया का कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपको बहुत पसंद है? मैं समझता हूँ जी पाकिस्तान में एज ए स्पोर्ट्समैन इमरान खान एक कैलिबर है। इमरान खान एक ऐसा नाम जो पूरी दुनिया में एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए स्पोक्समैन, एज ए क्रिकेटर, एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं समझता हूँ इमरान खान से बड़ी सेलिब्रिटी। और इंडिया के कौन सा क्रिकेटर? इंडियंस में देखे फिर आप अगर पुराने की बात करते हैं, सुनील गावस्कर, कपिल देव, देखे ना जी, और सचिन तेंदुलकर और आजकल जो है वो मेरा जो फेवरेट है वो विराट कोहली। अच्छा, विराट कोहली मैं ये समझता हूँ इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, इस वक्त अगर वो क्रिकेट अगर दुनिया का किंग है और इसमें कोई शक नहीं है और हम उसको दिलो जान से पसंद। अफगानिस्तान के लोगों को कोई मैसेज लास्ट में दे दें, इंडिया के लोगों को मैसेज, लेकिन कुछ ऐसा मैसेज दीजिएगा, देखें नीचे कमेंट में वो लोग कहेंगे भाई हम नहीं आते, हमें हमारे लोग ज्यादा अजीज हैं, यहाँ पे जब तक सिक्योरिटी का इशू नहीं हल होगा हम नहीं आएंगे, कोई ऐसा मैसेज दें कि देखने वाले लोग के हाँ यार शायद कुछ बेहतरी है। जी मैं इंडियंस और अफगानिस्तान को, मैं एज ए पाकिस्तानी, मैं एक क्रिकेट लवर होने के नाते मैं आपको कहता हूँ आप जरूर आए और ये मैसेज दें पूरी दुनिया को कि हम क्रिकेट को देखना चाहते हैं और पाकिस्तान में क्रिकेट शादाबाद रहे और पब्लिक यहाँ पे देखे और ये क्रिकेट जो है आपको पता है स्पोर्ट्स का मेन जुज्व है हमारा जो हमारी क्रिकेट। और मैं कहता हूँ होती पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट है वो अलग बात है कि आजकल हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, T20 भी हार गए, ODI भी हार गए और अभी लेजेंड्स ट्रॉफी थी, लेजेंड्स की चैंपियन ट्रॉफी, वो भी हम इंडिया से हार गए। हमारी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है? परफॉर्मेंस मैं ही नहीं समझता, लेकिन देखे ना इसमें कुछ टीम्स में चेंजिंग करनी चाहिए, कुछ ये जो हमारे जो ग्रुपिंग है और जो प्लेयर्स जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग और जो एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले, इनकी टीम को मतलब एक नई टीम, एक नई तशकीले नौ की जाए और एक नई टीम, एक नई टीम हो और वो यूनिटी हो उसमें, यूनिटी टुगेदर वी आर दी बेस्ट, ठीक है जी, टीम वर्क ए लिटिल बिट एक्स्ट्रा, टुगेदर वी आर दी बेस्ट, ये एक ऐसा मोटिव है। अब चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं, अब तो खैर इंटरनल बातें हो गई। ये पूरे वीडियो में इन भाई साहब ने और बाकी लोगों ने जो बात की है वो बिल्कुल जो ग्राउंड रियलिटी है उससे हटकर है। ये लोग कहते हैं पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान बिल्कुल अमन पसंद मुल्क नहीं। ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की कोई कमी नहीं है, भाई आपके ही अखबार भरे पड़े हैं सिक्योरिटी लैप्सेस, आतंकवादी हमले, आपस में कलेश, इन सब चीजों से, मस्जिदों में धमाके लगे पड़े हैं, छपे पड़े हैं इस पर। तो आप लोग पहले सच्चाई को स्वीकार करिए कि आपके यहां प्रॉब्लम्स हैं और पहले उन प्रॉब्लम्स को दूर करिए, दूसरों पर आप आरोप लगाने लगते हैं कि वो ड्रामा कर रहे हैं, तो जी उनको साजिश कर रहे हैं। अबे पहले खुद को तो ठीक करो, अपना घर तो ठीक करो, तुम्हारे घर में चीजें प्रॉब्लम हो रही हैं, तुम्हारे घर में दिख रहा है सब कुछ, पूरी दुनिया देख रही है तुम्हारे घर में क्या हो रहा है और तुम टोपी ट्रांसफर करने में जो उस्ताद हो तुम लोग, वो टोपी ट्रांसफर। अबे इमरान खान के फैन हो तुम, क्या किया तुमने इमरान खान के लिए? इमरान खान पर देशद्रोह का मुकदमा चलने वाला है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, तुम्हारे ही पाकिस्तानी अखबार की खबर है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई को बैन किया जा रहा है और अब इमरान खान के ऊपर ट्रिज्म का केस चलेगा। और पता है अगर देशद्रोह का केस साबित हो गया, वैसे तो तुम्हारे यहां सब जज मिले हुए हैं, जज ने फैसला दे दिया कि हां देशद्रोह का आरोप साबित होता है, तो तुम्हारे इमरान खान को जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह लटका दिया जाएगा सरेआम। अब बस तुम लोग बकबक बकबक आके स्क्रीन पर करते रहो, क्या चल रहा है तुम्हारे यहां ये नहीं देखोगे? और तुम बात करते हो सेफ हो, अबे तुम्हारा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सेफ नहीं है तुम्हारे यहां, तुम बात करते हो तुम एक सुरक्षित कंट्री हो, अमन पसंद कंट्री हो, क्या बात करते हो यार, क्या बात करते हो। और ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तो लग रहा है कि कहीं चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल ना हो जाए, पाकिस्तान से हटके निकल के कहीं और ना चली जाए।
एक नंबर के झूठे, एक नंबर के मक्कार हैं ये पाकिस्तान। सही बात नहीं बोलेंगे, अफगानिस्तान क्यों नहीं आ रहा, सही बात नहीं बताएंगे, नहीं नहीं वो तो अफगानी है इसलिए वो नहीं आ रहे, वो भी ट्रॉफी ट्रांसफर अफगानियों पर कर दिया। सारी गलती आपकी, आपकी फौज की, आपकी आईएसआई की, आपकी सरकार की, और गलती अफगानियों पर डाल दी। भारत नहीं आ रहा, गलती भारत की है, आपकी गलती नहीं है कोई। अपने यहां के हालातों को देखो, सेफ्टी सिक्योरिटी क्यों मचा हुआ है तुम्हारे यहां, और तुम बात करते हो। अबे कुछ तो ऐसा बोलो जिसके पास तुम्हारे पास सबूत हो ये बात करने के लिए। एक सेकंड नहीं लगता, काउंटर में चीजें आ जाती है फैक्ट के साथ तुम्हारे ही देश की। दोस्तों कमेंट करके आप बताइए भाई, आप क्या कहते हैं ये जो ज्ञान मिला है अभी इस पर। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था नहीं आएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी खेल ले तो क्या करोगे, तो वाकई में कुछ नहीं कर सकते। बातों की हद तक हम चाहे पहाड़ को उठाकर उल्टा कर दें, लेकिन जब करने की बारी आती है तो फिर सब मुंह देखते हैं एक दूसरे का, और फिर बेशर्मों की तरह ढीठ बनकर कोई जो खेलने वाले हैं वो खेलने चले जाते हैं, और जो देखने वाले हैं हमारी तरह के चल हंस देते हैं कि इनके बस की बात नहीं है, पीछे से कुछ और ही मामला चल रहे हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल बनी पड़ी है पाकिस्तान और चैंपियंस ट्रॉफी की, ये तो एक मजाक सा बन गया है हमारे लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। ये हो क्या रहा है? कभी कोई कहता है अफगानिस्तान कहता है हम नहीं आएंगे, कभी इंडिया कहता है, कभी ऑस्ट्रेलिया कहता है, कभी बांग्लादेश कहता है। जब ये सारे देश कह रहे हैं तो फिर आने वाले पीछे कौन रहते हैं, किसके साथ हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे? तो ये इस पर हमारा जो पीसीबी है वो क्यों इस बात को क्लैरिफाई नहीं कर रहा? ये एक हवा बन गया, ये एक आग सी लगी हुई है। तो कहें सीधी जो स्टेटमेंट है वो दे। अब पहले जब ये चीजें नहीं होती थी तो रोज हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन है उनको, रमीज राजा साहब थे, उनको तो मीडिया पे आने का इतना शौक था जितना कि इमरान खान साहब को था, और रोज आते थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और फिर एट द एंड वो भी हक कर चले गए। और अभी जब जरूरत है पीसीबी को सामने आकर बताने की कि भाई ये नहीं, ये हो रहा है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, हम इस एंगल से कोशिशें कर रहे हैं, हो सकता है हम इस तरह कर लें, या हो सकता है कि हम हाइब्रिड मॉडल पे, इस बातों को इतना क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? तो बात करने की यही है कि अब लगने लगा है कि पाकिस्तान में ये एक मैच भी चैंपियंस ट्रॉफी का नहीं होगा, ये सारी की सारी इनको मूव ऑन करनी पड़ेगी, चाहे दुबई ले जाएं, चाहे श्रीलंका ले जाएं, या खुद इसका पार्ट ना बने, कुछ भी हो। लेकिन अफसोस मुझे इस चीज का है कि जिस वक्त जरूरत है पीसीबी के बोलने की तब वो बोल नहीं रहा, जब जरूरत नहीं होती उस वक्त हमें दूर की हांकने में ये लगे रहते हैं, और यही असली चीज है। क्लैरिफाई करें, बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, आप में अगर कोई दमखम बागी है तो वो पहले उसका इजहार कर दें, जिस तरह आप पहले बड़के मारते थे उसी तरह की वो बड़क मार दें दोबारा से। बिल्कुल ऐसी है, देखें कि वो जैसे वो पंजाबी में वो मिसाल बनी हुई है कि वो मजाक है, पाकिस्तान को मजाक बना दिया है इन लोगों ने, हमारे इस अदारे ने, ये क्रिकेट के बोर्ड ने जो है। देखे कोई भी मुल्क है जिसके बारे में पूछो वो कह रहे हैं भाई, वहां से तो यही जो है आवाजें उठ रही है कि वो भाई नहीं आ रहे चैंपियन ट्रॉफी के लिए। बांग्लादेश भाई वो भी नहीं आ रहे, अफगानिस्तान भाई वो भी नहीं आ रहे, इंडिया तो वैसे ही नहीं आ रहा। तो भाई आ कौन रहा है? पहले बात तो यह मेरे 8 से 9 मुल्क होंगे, तो 8 मुल्क है उसमें 4 चार आगे दूसरे पाकिस्तान है, पीछे 4 रह जाते हैं, तो वो 4 वो 4 मिला के 4 इसमें बांग्लादेश है है। भाई जहाँ पे 20 साल बम बरसे हैं वहाँ पे वो उस मुल्क की टीम कह रही है कि भैया मैं भाई उसका बरसे हैं या नहीं बरसे, बरसाए किस वजह से, बरसाए किस वजह से गए हैं वो, ये उसको छोड़ दीजिए। आप ये देखिए पूरी दुनिया में हल्ला मचा हुआ है, पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पता नहीं कहाँ कहाँ पे, तो नहीं कि अगर किसी को टस से मस हो रहा है तो वो हमारा क्रिकेट बोर्ड है, वो पीसीबी को नहीं पता, ना क्रिकेट बोर्ड है ना हमारी हुकूमत है, हमारी तरफ से कोई ऑफिशियल की तरफ से कोई टेंशन नहीं है। हम देखे बैठे हुए हैं किस इंतजार में कि भैया कब आईसीसी या बीसीसीआई जो है ना थोड़ा सा बोली पढ़ाएंगे और कहेंगे कि भाई इतना पैसा आपको आना था रेवेन्यू, इससे हम इतना आपको दे देंगे, तो हम कहेंगे भैया जहाँ पे आप करवाना चाहे करवा लें, कोई मसला नहीं है, हम इस इंतजार में बैठे हैं, इसके अलावा हम कुछ भी करने को तैयार नहीं है। हमने कुछ करना होता
तो कम के कर चुके होते। तो ये ऐसी बातें ही ना होती अगर कुछ करना होता ना। तो भाई बातें दुनिया बातें कर रही हो, कहता करते रहे आप करते रहे, हमें कौन सी हम बैठे हुए हैं चैंपियन ट्रॉफी का होस्ट हमने करना है, चाहे पाकिस्तान में करें चाहे वो यूएई में करें, क्योंकि पहले भी हमने करवा रखा है वहाँ पे होस्ट किए हुए हैं बहुत सारे इवेंट। तो हमने तो बहुत अपने जो पहले जो 3-4 एडिशन है पीएसएल के वो भी वहाँ पे किए हुए हैं, तो आईसीसी का जो इवेंट है वो भी वहाँ पे करवा लेंगे। इतने सालों के बाद हमें 28 साल बाद जो है ना वो मेजबानी का शरफ मिला है, तो पैसे पैसे कमाने का मौका मिला है, तो फिर हम उसको जाने तो नहीं देंगे। हमने जो है ना उसको कमाने हैं पैसे, तो भाई ये मौका हम कभी जाया नहीं करेंगे। लिहाजा हम कोई बयान दे के अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। हाँ हम खामोश बैठे हैं, दुनिया जो है अपना माहौल गर्म करती है तो करती है, जब लोहा गर्म हो जाएगा तो हम एक ही बार में वो सारे गर्म लगाएंगे और अपने हिस्से का रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे और मजे करेंगे। इसके अलावा हम कुछ करने को तैयार भी नहीं है, ना तो हमारे क्रिकेटर अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, ना हमारे ऑफिशियल जो है ना अच्छे लोगों को निकाल के ला रहे हैं, और ना कुछ जो है ना टैलेंट आगे नजर आ रहा है, ना कोई अहल बंदा हमें कहीं पर भी नजर आ रहा है पूरे पाकिस्तान में। तो फिर हमें क्या चाहिए, पैसा? तो पैसा जैसे जिस तरीके से भी आए वही सौ चले जी। लग तो यही रहा है कि नजर तो पैसे पे ही है कि न्यूट्रल मेन्यू पे जाना है, किस पे जाना है, क्या करना है, ये सारी बातें शायद हो रही हों बैक एंड पे, लेकिन हमें नहीं पता क्या हो रहा है। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे एक और वीडियो, तब तक के लिए।